बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चैप्टर 5 है अबाउट एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के बारे में। मोशन तीन किस्म की होती है। व्हेन ए बॉडी मूव स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज ट्रांसलेटरी, इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव अराउंड ए सर्कल इट इज एंगुलर या रोटेटरी मोशन। और जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा होता है इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। इस चैप्टर में हमने रोटेटरी मोशन के बारे में देखना है। तो एंगुलर मोशन होती है, इट इज मोशन ऑफ द बॉडी राउंड ए सर्कल। किसी बॉडी की सर्कल में मोशन एंगुलर या सर्कुलर मोशन कहलाती है। इट इज मोशन ऑफ द बॉडी राउंड ए सर्कल। राइट, मोशन ऑफ द बॉडी राउंड ए सर्कल इज कॉल्ड रोटेटरी और एंगुलर मोशन। अब अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी ने फासला तय किया ए से बी तक, इसको आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, फासला तय करती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है और बॉडी ने मूव किया ए से लेकर बी तक, तो ए से बी तक इसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक टर्म इस्तेमाल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो बॉडी ने फासला तय किया ए से लेकर बी तक, फर्ज करें एस फासला है, क्या इस एस फासले को, एस डिस्टेंस को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं? वो डिस्टेंस जो बॉडी ने ए से बी तक तय किया, क्या ये डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा, बल्कि बॉडी ने मूव किया ए से बी तक, बॉडी ने एक आर्क बनाई, ये आर्क लेंथ है, कॉस की लंबाई है। ये जो आर्क लेंथ है ये सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। गोया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल, डिफाइन यू करेंगे इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। किसी बॉडी के बॉडी ने जो एंगल बनाया सर्कल में मूव करते हुए, जो बॉडी सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाती है उस एंगल का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is determined by right hand rule। इसकी direction हम right hand rule से मालूम करते हैं। गोया जब बॉडी मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, थम अपवर्ड है, हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। थम अगर अपवर्ड होगा, राइट हैंड रूल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करें। इफ़ यू रोटेट फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड
इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग फिंगर को रोटेट करें, थंब की डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। सो इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है एंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाता है। जिस तरह आम डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल, डिफरेंट यूनिट हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से शो करेंगे? देर आर थ्री डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके तीन डिफरेंट यूनिट्स हैं, फर्स्ट है डिग्री, सेकंड है रेडियन और थर्ड है रेवोल्यूशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन डिग्री, रेडियन एंड रेवोल्यूशन। इनको हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज डिग्री? बॉडी मूव करिए सर्कल में, पहले हम डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज डिग्री? लेट बॉडी इज मूविंग अराउंड ए सर्कल। ये बॉडी का एक्सेस ऑफ रोटेशन है, सेंटर है, मेन पोजिशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। बॉडी ए पॉइंट से चले वापस ए तक आ जाए तो ये फासला क्या होता है? इसे हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर बॉडी ए से चले वापस ए तक आ जाए, सर्कल का सर्कमफेरेंस है। अगर सर्कल का रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस 2πr होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। आप ऐसा करें, पूरे सर्कमफेरेंस के टुकड़े कर लें, पूरे सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, पूरे सर्कमफेरेंस के 360 इक्वल पार्ट्स कर लें। हर टुकड़ा सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा उसे एक डिग्री कहेंगे। गोया कुल कितने डिग्री बनेंगे सर्कल में? 360। डिफाइन यूं करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड टू 360 इक्वल पार्ट्स। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड टू 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल मेड बाय ईच पार्ट इज 1 degree। सर्कल के सर्कमफेरेंस के 360 हिस्से कर लिए, हर टुकड़ा जो एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर के साथ वो 1 degree होगा। तो कितने टोटल डिग्री होंगे? देर आर 360 degree इन ए सर्कल। तो कुल कितने डिग्री होते हैं सर्कल में? 360। रेडियन को चेक करते हैं, व्हिच इज 1 radian। ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। बॉडी ने मूव किया ए से लेकर बी पॉइंट तक, ये सर्कल का रेडियस है। तो ए बी आर्क है, ये आर्क एंगल बना रही है विद द सेंटर ऑफ सर्कल। ये बनने वाला एंगल 1 radian कब होगा? इसकी शर्त है
शर्त ये है कि अगर ये जो आर्क है, इसका नाम मैं एस रख लेता हूँ, अगर तो आर्क लेंथ ए बी किसके बराबर हो, सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तब जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। एंगल मेड बाय एन आर्क इज़ 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। गोया जब एस बराबर होगा आर के, तब जो एंगल बनेगा वो रेडियन होगा। डिफाइन यू करेंगे एंगल मेड बाय एन आर्क इज 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 1 रेडियन। अब जिनकी रेशियो होती है डिस्टेंस आर्क लेंथ टू आर, ये रेशियो एंगल है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, रेशियो 1 होगी, तो उसे 1 रेडियन कहेंगे। गया एस और आर जब बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 1 आंसर आएगा, तो वो एंगल क्या बन जाएगा, 1 रेडियन। कुल कितने रेडियन होते हैं एक सर्कल में, आप ए से चलें वापस ए तक पहुंच जाएं, कुल डिस्टेंस होता है 2πr डिवाइडेड बाई आर, आर पे डिवाइड कर लिया तो 2π रेडियन होते हैं एक सर्कल में। नंबर ऑफ रेडियन इन ए सर्कल आर 2π रेडियन। अभी हमने पढ़ा एक सर्कल में डिग्री कितने होते हैं, 360, रेडियन कितने होते हैं, 2π रेडियन। इनमें से कौन सा बड़ा है, एक रेडियन बड़ा है या एक डिग्री, चेक कर लेते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2π। पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.14, तो ये 57.3 डिग्री आता है। गोया रेडियन बड़ा यूनिट है और एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। सो इस इक्वेशन को याद करें, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस किसके बराबर होगा, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इट इज़ रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा यूनिट मैंने कहा रेवोल्यूशन भी होता है, रेवोल्यूशन। बॉडी ए से चले, जब वापस ए तक पहुंच जाएगी, एक चक्कर मुकम्मल होगा और एक चक्कर को एक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ए से बॉडी वापस ए तक है, तो हम इस एंगल को रेडियन या डिग्री की बजाय 1 रेवोल्यूशन कह लेते हैं। गोया एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं और 2π रेडियन होते हैं। अगर रेवोल्यूशन के डिग्री या रेडियन बनाने हो तो यू कन्वर्ट कर लेंगे, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री आर 2π रेडियन। उसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।